हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग के जो कुछ कोड होते हैं, जी कोड और एम कोड, उनके बारे में बताएंगे कि कौन सा कोड आपने कहां पे इस्तेमाल करना है, कहां पे यूज करना है। सबसे पहले G28, जो G28 कोड है, ये होम पोजीशन का कोड होता है। इसको हम होम पोजीशन भी बोलते हैं, रेफरेंस पोजीशन भी बोलते हैं और जीरो पोजीशन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने टूल को होम पोजीशन पे लेके जाना होता है। होम पोजीशन क्या होती है, जो कि मशीन मैन्युफैक्चरर, जिसने मशीन बना रखी है, वहां के इंजीनियर ने उसका एक पोजीशन सेट कर रखा है कि आपका टूल कटिंग करने से पहले और कटिंग करने के बाद वापस उसी पोजीशन पे वापस जाएगा, उसको हम G28 होम पोजीशन कोड या होम पोजीशन भी कह सकते हैं। उसके बाद G92, जो G92 होता है, ये स्पिंडल स्पीड लिमिट का कोड है। अब स्पिंडल स्पीड लिमिट क्या होती है, अब एज एग्जाम्पल मान के चलिए, एक सर्कल है, एक ग्राउंड है, सर्कल ग्राउंड, वो 400 मीटर का है। अगर आप उसमें दौड़ लगाएंगे, रन करोगे, तो एक चक्कर अगर आप 5 मिनट में पूरा कर रहे हो, उसी जगह पर अगर वो 400 मीटर का ग्राउंड अगर 200 मीटर का हो जाए, तो उसका आप चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाओगे, 2.5 मिनट। मतलब 5 मिनट में जहां पे एक चक्कर लग रहा था 400 मीटर का, वहां पे 200 मीटर के कितने चक्कर लगेंगे, 2 चक्कर, क्योंकि 2.5 मिनट का एक राउंड बन जाएगा। सेम उसी तरह अगर आपने 50 से 25 का डाया बनाना है, तो आपका जो टूल है वो 50 से धीरे धीरे जब कट नीचे को करेगा डाया को, पीस को, तो उसके जो आरपीएम होंगे वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, टूल आपका तेजी से डाया के ऊपर आएगा। इससे क्या होगा, आपका जो टूल है उस पर रगड़ पड़ेगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो जल्दी ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए आपने क्या करना है, G92 एक कोड लगा देना। G92 है स्पिंडल स्पीड लिमिट का कोड। इससे क्या होगा, जो आपकी आरपीएम है उन पे कंट्रोल हो जाएगा। मान के चलिए आपने स्टार्टिंग का इनिशियल आरपीएम 1500 रखे हैं, उसके बाद 2000 पे गए आरपीएम, फिर 2500 पे, लेकिन 2500 से ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि G92 कोड लग चुका है, आरपीएम की एक लिमिट लग जाएगी। इससे आपके टूल की सेफ्टी रहेगी और टूल आपका जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अगर टूल बेचने वाली कंपनी आपको बोल रही है कि हमारा टूल 100 पीस निकालेगा, 100 पीस की कटिंग देगा, तो जरूरी नहीं हुआ 100 पीस देता है, बट वो 90-95 पीस निकालेगा जरूर। लेकिन अगर आप आरपीएम के हिसाब से नहीं चलते, तो वो जल्दी टूट जाएगा, 70-80 पीस निकालने के बाद ही ब्रेक हो जाएगा। इसलिए आपने टेक्निकल फार्मूले के हिसाब से कुछ कोड वगैरह है, उनके हिसाब से आपने प्रोग्राम बनाना है, जिससे कि आपकी जो टूल है उसकी लाइफ ज्यादा निकले। उसके बाद आगे G96। G96 क्या है, ये कॉन्स्टेंट कटिंग स्पीड का कोड है। इसका मतलब ये होता है, आपने कटिंग स्पीड जो है उस पर लिमिट लगानी है, जैसे कि S150। जब आप कटिंग करते हो, किसी भी जॉब की कटिंग करते हो, उसमें से बूरा निकलता है, वो बूरा कितना निकलेगा आपका, 150 मीटर, अगर आपने लिमिट लगा के 150 पे। तो यूनिट क्या होते हैं उसके, मीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में 150 मीटर तक वो बूरा निकलेगा। अगर आपने G96 कोड लगा रखा, तो वो हर मिनट में 150 मीटर ही निकलेगा, ना उससे ज्यादा निकलेगा ना उससे कम निकलेगा। इसलिए हमने G96 कटिंग स्पीड का कोड लगाना जरूरी है। उसके बाद G00 जो कोड है, वो टूल को हवा में रखने का कोड है। जब तक आपका टूल हवा में है, तब तक वो पीस को कट नहीं कर पाएगा। जब तक G00 कोड लगा है, इसका मतलब आपका टूल हवा में है। उसके बाद G73 का मतलब होता है टर्निंग साइकिल कोड। इसको हम चिप्स रिमूवल कोड भी कह सकते हैं, इसको हम कैंड साइकिल भी कोड कह सकते हैं, इसको हम रफिंग साइकिल कोड भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब सेम है। अब टर्निंग साइकिल कोड कहाँ पर लगता है, जहां पर हमने डाया को कम करना होता है, जैसे 50 से 25 का कर दिया, गुलाई में कटिंग करनी है, टेपर कटिंग करनी है, टेपर में कम करना है डाया, ठीक है, उसके लिए हम G73 टर्निंग साइकिल का कोड लगाते हैं। टर्निंग साइकिल के कोड के साथ U1 डॉट क्यों लगाते हैं, U1 का मतलब होता है, U का मतलब होता है इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट, U होता है आपका डाया, U के साथ हमने U1 लगा रखा है। 1 का मतलब ये है कि आपका जो डाया है, 1 mm ऊपर से कट होगा, 1 mm नीचे से। U की आप वैल्यू जितनी देते हो, U की वैल्यू का मतलब होता है इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट, कि आपका जो डाया है वो हर बार इतना ही कट होगा, 1 mm ऊपर से और 1 mm नीचे से। U की वैल्यू अगर आप 0.5 लेते हो, तो 0.5 ऊपर से कट होगा और 0.5 नीचे से, जितना आप दोगे U की वैल्यू, उससे वो डबल कट करेगा। उसके बाद F0.02, ये फीड होती है, F0.02 फीड होती है, ये होती है टूल की चाल, ठीक है जी। अब मान के चलिए आपने फीड दे रखी है 0.02, इसका मतलब है, फीड का मतलब होता है mm पर रेवोल्यूशन, आपकी जो जॉब है वो कितनी कट होगी एक रेवोल्यूशन में। मान के चलिए आपकी जो जॉब है, आपका जो डाया है, वो 1 मिनट में 2500 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में आपका जो टूल है वो 0.02 20 माइक्रोन आगे बढ़ जाएगा, 0.02 20 माइक्रोन आगे बढ़ जाएगा।
हर चक्कर में वो 20 माइक्रोन आगे बढ़ रहा है लेंथ की तरफ, लंबाई की तरफ, पीस की तरफ। तो एक चक्कर में 20 माइक्रोन बढ़ रहा है, पांच चक्कर में 100, पांच चक्कर में वो 100 माइक्रोन बढ़ रहा है। अगर 50 चक्कर लगाओगे तो वो 1 mm आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। बट एक चक्कर वो कब लगा रहा है हमको पता भी नहीं लगना है। ये जस्ट एक लॉजिक है, सीएनसी का लॉजिक। एक चक्कर में वो 0.02 फीट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाएगा, 20 माइक्रोन आगे बढ़ेगा। उसके बाद U0.5, W0.5, U होता है डाया, W होती है लेंथ। ये हमने अलाउंस देना है। अगर आपने फिनिशिंग करनी है कहीं पर भी, अगर आप फिनिशिंग के कट लगाते हो, पहले रफ रफ कटिंग करनी है, लास्ट में अगर आपने फिनिशिंग करनी है, छोटे छोटे कट लगाने फिनिशिंग के, तो उसके लिए हमने ये अलाउंस छोड़ देना है। यू में आपने 0.5 छोड़ देना है और डब्ल्यू में 0.5। ये आपने साइकिल के साथ वैल्यू लगानी है G73 वाले के साथ, बट इसमें साइकिल जो लगेगा वो G72 लगेगा फिनिशिंग का, ठीक है जी। इससे क्या होगा, जो आपका डाया अगर आपने 50 से 25 का बनाना है, वो 25 का नहीं बनेगा, 25.5 का बनेगा, 0.5 रह जाएगा, क्योंकि आपने यू की वैल्यू अलाउंस में दे रखी है। लेंथ अगर आपने 60 की बनानी तो 60 की नहीं बनेगी, 59.5 की बनेगी। 0.5 जो कट होगा वो फिनिशिंग के कट में उसकी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद R1 डॉट, R1 का मतलब होता है रिट्रैक्ट वैल्यू। अब हमने यहाँ पे U1 दिया था, U1 का मतलब आपका जो टूल है, 1 mm का कट ऊपर से करेगा, 1 mm का नीचे। बट एक कट कंप्लीट करने के बाद वो R1 से 1 mm ऊपर हवा में जाएगा, फिर अगला कट लगाएगा। अगर आप उसको R1 नहीं देते तो वो पीस के साथ रगड़ खाते हुए अगला कट लगाएगा और आपका जो टूल है वो जल्दी घिस जाएगा, डबल बार वो घिसेगा, एक जाते समय एक आते समय। इसलिए आपने टूल को R1 से ऊपर उठाना है हवा में। इसको हम बोलते हैं रिट्रैक्ट वैल्यू आफ्टर एवरी कट। हर कट के बाद आपका टूल 1 mm ऊपर हवा में जाएगा। उसके बाद G01 है लीनियर इंटरपोलेशन फीड, मतलब लीनियर का कोड है। जब आप सीधी कटिंग कर रहे हो, स्ट्रेट कटिंग कर रहे हो, तो उसमें आपने G01 कोड लगाना है। सीधी कटिंग के लिए G01 लगेगा, टर्निंग के लिए, चैम्फर टर्निंग के लिए, फिलेट वगैरह के लिए G01 हमने कोड लगाना है। उसके बाद G02, जो G02 कोड लगेगा उसका मतलब है रेडियस इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। जैसे मान के चलिए घड़ी की सुई 1 से 12 की तरफ घूमती है, वो क्लॉकवाइज है। वैसे ही अगर आपका रेडियस अंदर की तरफ जा रहा है, अगर आपका रेडियस अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसमें आपने G02 कोड लगाना है। उसके बाद G03 रेडियस इंटरपोलेशन सेंटर क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आपका रेडियस बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे घड़ी की सुई 12 से 1 की तरफ घूमती है उल्टी, वैसे अगर आपका रेडियस बाहर की तरफ जा रहा है, तो उसमें आपने G03 कोड लगाना है, ठीक है। उसके बाद G97 का मतलब है सरफेस कटिंग स्पीड। जो G97 कोड आपने लगाना है वो ड्रिलिंग, रीमिंग और थ्रेडिंग, तीन ऑपरेशन में लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम कांस्टेंट कटिंग स्पीड नहीं देते हैं, यहाँ पे हम सरफेस कटिंग स्पीड देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद G98 कोड कहाँ पे लगता है, रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट का कोड होता है। जब आप ड्रिलिंग करोगे तो ड्रिलिंग में एक कट लगाने के बाद आपका टूल वापस उसी पोजिशन पर जाएगा जहाँ पे आपने उसको स्टार्टिंग में रखा हुआ है, Z2 पे, G00X0Z2 पे हम उसको रखते हैं। तो G98 कोड का मतलब है आपका टूल हर बार वो Z2 पे वापस जाएगा, एक कट लगाएगा 2 mm का, फिर Z2 पे, फिर 4, फिर 6, फिर 8, बट हर कट लगाने के बाद वो वापस वहीं जाएगा। G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल का कोड है। पैक ड्रिलिंग साइकिल क्या होती है, पैक ड्रिलिंग साइकिल का मतलब है सिंगल सिंगल कट लगाना है। जैसे हम बिजली का जो ड्रिल है उसको हम मारते हैं दीवार में तो एक बार में अंदर चला जाता है, लेकिन जो ये सीएनसी का ड्रिल होता है ये स्टेप बाय स्टेप कटिंग करता है। एक बार अंदर गया, फिर बाहर, फिर अगला कट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसके बाद P1000 क्या होता है, ड्वेल टाइम फॉर ड्रिल टूल। जब आप ड्रिल मारोगे तो आपका टूल अंदर जाके 1 सेकंड के लिए स्टे करेगा, इसलिए हम यहाँ पे P1000 लिख रहे हैं। P1000 का मतलब 1000 मिली सेकंड, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। आपने टूल को 1 सेकंड के लिए अंदर स्टे करना है। इससे क्या होगा, आपका टूल जो अंदर से बुरा है उस बुरे को साथ लेके आएगा बाहर को, आपका बुरा अंदर इकट्ठा नहीं होगा, जिससे आपकी जॉब खराब हो सकती है। उसके बाद Q2000 का मतलब है इंक्रीमेंटल लेंथ ऑफ कट। इंक्रीमेंटल लेंथ ऑफ कट का मतलब है जब भी आपका टूल अंदर जाएगा तो वो 2 mm का कट करेगा। जैसे मान के चलिए आपने ड्रिल मारना है 50 mm तक, तो 1 mm उसने एक कट लगाया तो 2 mm का कट हो गया, फिर बाहर आएगा फिर 4 mm, फिर 6 mm, फिर 8 mm। हर कट में आपका जो टूल है वो 2 mm की कटिंग करेगा, 2 mm तक लेंथ तक होल मारेगा। उसके बाद F200, ड्रिलिंग और रिमिंग में जो फीड होती है वो mm पर मिनट होती है। अगर आपने फीड F200 दे रखी है, इसका मतलब आपका जो टूल है वो 1 मिनट में 200 mm तक अंदर कटिंग कर सकता है, 200 mm तक अंदर जा सकता है। अगर आपने F50 दे रखा है फीड, उसकी 50 दे रखी है F50, इसका मतलब 1 मिनट में वो एक, अगर आपने F200 उसकी फीड दे रखी है, इसका मतलब ये है कि 200 mm की कटिंग वो 1 मिनट में करेगा। अगर आप 50 दे दोगे तो उससे क्या होगा, उसका जो टाइम है वो 4 गुना
ज्यादा हो जाएगा और जो उसकी डिस्टेंस है वो 4 गुना कम हो जाएगी। फीड अगर आपकी 200 की चल रही है, आपने 50 तक कट करना है, तो इसका मतलब आप कितने सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 200 mm तक कटिंग कर रहा है, तो 50 mm कट करने के लिए उसका 4 गुना कम टाइम लगेगा। 60 सेकंड का 4 गुना कितना कम होता है, 15 सेकंड। उसके बाद G84, ये जो F200 फीड है ये ड्रिलिंग और रीमिंग में ही लगेगी। उसके बाद G84 टैपिंग साइकिल का कोड है। जब हम अंदर चूड़ी डालते हैं ड्रिलिंग के बाद, जब हम चूड़ी करते हैं तो उसके लिए टैप का कोड लगता है, वो G84 है, टैपिंग साइकिल का कोड G84। उसके बाद G85 ये रीमिंग साइकिल का कोड है। रीमिंग साइकिल आपने हमेशा ड्रिलिंग से थोड़ा सा बड़ा लेना है। अब सबसे पहले टैपिंग के बारे में बात करते हैं। मान के चलिए आपने ड्रिल मारा है 10 का और आपने टैप का टूल लेना है, तो मान के चलिए आपके पास पिच कितनी है, 2 की पिच है और आपने ड्रिल 10 का मारा है, तो आपने ड्रिलिंग के टूल में पिच की वैल्यू प्लस करनी है। कितना आएगा, 10 और 2 12, 10 का ड्रिल बजा और 2 की पिच है 2 mm की, 10 और 2 12, तो आप टैप कितने का मारोगे, M12 का। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि टैप कितने का बजेगा, जितने का ड्रिल मारा है उसमें पिच की वैल्यू जोड़ देनी है, उतने का आपका टैप बजेगा। उसके बाद G85 ये रीमिंग का कोड है। अब मान के चलिए किसी कंपनी ने आपको बोला है कि आप हमको 13 का ड्रिल मार के दो सफाई के साथ, G85 रीमिंग का मतलब होता है सफाई करना, सफाई के साथ कंपनी बोलती है हमको 13 का ड्रिल मार के दो, तो आप क्या करोगे, 13 का ड्रिल मारोगे, उसके बाद 13.5 थोड़ा करोगे, इससे क्या होगा आपका पीस ज्यादा बढ़ जाएगा, रिजेक्शन में जाएगा। हमने क्या करना है, उसको मेंटेन करके रखना है। इससे हम क्या करेंगे, 12.5 का ड्रिल मारेंगे और 13 का रिमर मार देंगे, इससे क्या होगा साइज भी पूरा हो जाएगा और पीस में सफाई भी आ जाएगी। उसके बाद G77 ग्रूविंग का कोड है। जो हम डम्बल शेप कटिंग करते हैं बीच में से डाया कम करते हैं उसको हम ग्रूविंग बोलते हैं, उसमें G77 कोड लगेगा। G77 G76 जो कोड है वो सर्कुलर कटिंग का कोड है। जब हम आगे से फेस ग्रूविंग करते हैं सर्कुलर कटिंग, उसमें G76 कोड लगेगा, ये फेस ग्रूविंग साइकिल का कोड है। उसके बाद क्याओ 2000 है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। इसमें हम क्या 2000 नहीं, क्या 1800 लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। जैसे मान के चलिए आपका जो ग्रूविंग का टूल है उसकी चौड़ाई अगर 3 mm है, तो आपने उसका हमेशा 60% लेना, जितनी भी उसकी चौड़ाई है उसका 60% आपने डिस्प्लेसमेंट वैल्यू लेनी है। अब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का मतलब है कि आपका टूल जब एक डाया पूरा कंप्लीट कर ले, डाया का एक कट अगर कंप्लीट कर ले, जैसे 50 से उसने 42 बनाना है तो 50 से 42 का एक कट लगा दे, उसके बाद जब ऊपर जाएगा वो तो लेंथ की तरफ कितना आगे बढ़ेगा, टूल की चौड़ाई का 60%, क्या 1800 माइक्रोन आगे बढ़ेगा। इसमें हमने 60% टूल का निकाल लेना। जैसे मान के चलिए आपके टूल की चौड़ाई 3 mm है, उसका 60% कितना निकलेगा, 1.8 mm, लेकिन हमने इसमें 1.8 mm लिखना है, उसके माइक्रोन बना देने, तो 1.8 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, ठीक है जी, तो कितने बन गए, 1800 माइक्रोन, तो आपका टूल हर बार लेंथ की तरफ 1800 माइक्रोन आगे बढ़ेगा। उसके बाद G78 जो है ये थ्रेडिंग का कोड है। जब आप थ्रेडिंग करोगे तो आप चूड़ी डालोगे तो उसका कोड है G78। उसके बाद P02 जो है वो थ्रेडिंग में फिनिशिंग कट के लिए हम देते हैं। P02 का मतलब है आपका टूल लास्ट में 2 फिनिशिंग के कट लगाएगा। उसके बाद G00 का मतलब है रैपिड ट्रावर्सिंग थ्रेडिंग ग्रुप। अगर आपके ग्रूविंग में लास्ट में ग्रुप पड़ा हुआ है, थ्रेडिंग में अगर लास्ट में ग्रुप पड़ा हुआ है, तो आपका जो टूल है थ्रेडिंग तो करेगा पर जहां पर ग्रुप पड़ा हुआ है वहां पर हवा में जाएगा, कुछ कट नहीं करेगा। अगर वहां पर एंगल दिया हुआ है लास्ट में, तो एंगल की वैल्यू 00 की जगह पर हमने दे देनी है। उसके बाद 60 है एंगल ऑफ पिच, मतलब तीसरे नंबर पर अगर 60 आ गया, इसका मतलब जो आपकी पिच है उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। ये पिच का एंगल होता है, चूड़ी का एंगल। क्या 250 का मतलब है जो पहला कट आपका लगेगा 250 माइक्रोन का लगेगा, उसके बाद जितने कट होंगे वो सारे छोटे छोटे कट लगेंगे। उसके बाद थ्रेडिंग का फार्मूला निकालना, कैसे निकालोगे आप, माइनर डायर थ्रेडिंग का 0.653 को आप पिच से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान के चलिए आपका 50 का डाया उसमें थ्रेड पड़ी हुई है, तो उसका माइनर डाया कैसे निकालोगे, 0.653 एक लॉजिक है, एक कोड है, इसको आप पिच से मल्टीप्लाई कर दो। मान के चलिए पिच आपकी 2 की है, 2 को आप 0.653 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 1 mm 306 माइक्रोन। ये एक तरफ की चूड़ी की हाइट निकल गई, चूड़ी की एक तरफ की हाइट निकल जाएगी, दूसरी तरफ की उतनी होगी। 1.306 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 2.612, ये आपकी पिच की दोनों तरफ की हाइट निकल गई।
अब माइनर डाया कैसे निकालोगे, जो मेजर डाया दे रखा है 50-50 में से पिच की दोनों तरफ के हाइट को आप माइनस करोगे तो माइनर डाया आपका कितना निकलेगा 47.388। उसके बाद आर माइनस 20, आर माइनस 20 यह है कि जब आप टेपर वैल्यू लेते हो थ्रेडिंग में, मान के चलिए आपका जो मेन डाया है 50 का है और जो आपका माइनर डाया है वो 20 का है, तो 50 से 20 कितना माइनस में जा रहा है 30, ठीक है जी। तो एक तरफ का कितना जा रहा है 15, तो हम आर माइनस 15 लिखेंगे। अगर एक तरफ का आपका 20 माइनस में जा रहा है तो आर माइनस हम 20 लिखेंगे। इससे आपका जो थ्रेडिंग का टूल है वो अपने आप ही टेपर में थ्रेडिंग कर देगा। M03 जो होता है वो स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज का कोड होता है, जिससे आपकी स्पिंडल दाई तरफ को घूमेगी जैसे घड़ी 1 से 12 की तरफ घूमती है। अगर M04 आप कोड लगाते हो, इससे क्या होता है आपका जो स्पिंडल है वो बाई तरफ को घूमता है जैसे घड़ी की सुई 12 से 1 की तरफ घूमती है। उसके बाद M05 ये स्पिंडल को स्टॉप करने का कोड है, स्पिंडल को रोकने का। M05 लगा दोगे आप स्पिंडल वहीं पर रुक जाएगी। उसके बाद आगे M07, जो M07 है वो मिस्ट कूलेंट का कोड है, जो हम उसमें से पानी गिराते हैं, कूलेंट गिराते हैं। अगर आप M07 लगाओगे इससे पानी की थोड़ी छोटी छोटी बूंदें गिरेंगी, अगर आपका मटेरियल ज्यादा हैवी नहीं है उसके लिए हम मिस्ट कूलेंट चलाते हैं। अगर मटेरियल काफी हैवी है ठीक है, उसके लिए हम M08 फ्लड कूलेंट चलाते हैं, जिससे पानी काफी तेजी से गिरेगा और आपका टूल साथ में ठंडा होता रहेगा। कूलेंट लगाना जरूरी है, इससे आपका टूल ठंडा होता रहेगा। M09 जो होता है वो कूलेंट को ऑफ करने का कोड है, जिससे आपका कूलेंट बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हमने कूलेंट लगाना कहाँ पे है, जहां पर हम G002 को हवा में रखते हैं उसकी एंड लाइन में आपने कूलेंट ऑन कर देना है, और लास्ट में जब हम टूल को दोबारा हवा में उठाते हैं वहां पर आपने M09 कूलेंट ऑफ का कोड लगा देना है, ठीक है जी। ये आपकी जो कोर्स की क्लास थी, जी कोड और एम कोर्स, वो टोटल कंप्लीट हो गई है।